हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू अनदर एपिसोड इन माइनक्राफ्ट। आज हम दोबारा खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज हम सबसे पहले माइनिंग करने जाने वाले हैं। जो यहाँ पे मैंने सारी वो चीज़ ले ली जो माइनिंग करने के लिए चाहिए। अब मैं माइनिंग के लिए रेडी भी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ, एक अच्छी जगह ढूँढ रहा हूँ जहाँ पर मैं माइनिंग कर सकूँ। और मुझे ये जगह मिल गई है। मैं इसके बहुत नीचे जाऊंगा, पहले थोड़ा खुदाई करूंगा और नीचे जाऊंगा। नीचे जाके फिर चारों तरफ माइनिंग शुरू कर दूंगा। पहले मैं नीचे जाता हूँ। मैं बहुत नीचे आ गया हूँ, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा नीचे जाना है। और यहाँ पे मुझे कोल मिल चुका है बहुत सारा। मैंने थोड़ा बहुत कोल उठा लिया, बाद में मैं कोल उठा लूँगा। कोल वैसे भी नॉर्मली ईजिली मिल जाता है बहुत ही आसानी से। और मुझे एक नए तरीके के स्टोन मिला है जो कि आप लोग देख ही सकते हो। इसे मैं थोड़ा बहुत कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे घर बनाने में या फिर दूसरा सामान बनाने में थोड़ी अच्छे लुक आएगी इस स्टोन से। ये स्टोन बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, मैं नीचे आ गया हूँ, खाना खा लिया, मुझे भूख लगा था। यहाँ पर मैंने अपना सारा सेटअप कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बैडल लगा दिया, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा दिया और फर्नेस भी लगा दिया। अभी मैंने माइनिंग करना शुरू कर चुका हूँ। मैं पूरा माइनिंग तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बोर लगेगा बहुत, आप लोग भी बोर हो जाओगे माइनिंग देखकर, क्या करोगे। तो माइनिंग के बीच बीच में जहाँ पे मुझे डायमंड मिलेगा या फिर रेड स्टोन या फिर आयरन मिलेगा, तो उस जगह पे आपको दिखा दूँगा। और यहाँ पे मुझे एक स्पाइडर का स्पॉनर मिल गया है, जिससे मैं बाद में एक्सपी फार्म बनाऊँगा मेरे लिए, जो मेरा एक्सपी बढ़ाएगा, जो मुझे बहुत ही हेल्प करेगा। ये मुझे बहुत शानदार चीज़ मिल गया है, बहुत ही आसान चीज़ है। और यहाँ पे मैं माइनिंग करते करते दूसरे जगह आ गया हूँ। यहाँ पे मुझे गोल्ड मिल चुका है। गोल्ड मैं यहाँ से बहुत सारा गोल्ड उठा लेता हूँ। पहला गोल्ड मेरा वेस्ट गया था क्योंकि मैंने स्टोन के पिकैक्स से तोड़ दिया था। और ये क्या है, इतना आसानी से मुझे पहले डायमंड मिल गया। ये बहुत सारा डायमंड है। ओ भाई, यहाँ पर तो डायमंड का भंडार है। 6-7 डायमंड तो मुझे ऐसे ही मिल गया अब। और यहाँ पे मुझे आयरन भी मिल गया है, रेड स्टोन भी मिल गया है। रेड स्टोन भी मैं उठा लेता हूँ। दोबारा आयरन मिल गया, और आयरन मिल रहा है। मुझे आयरन की बहुत ज़रूरत है, बहुत आयरन चाहिए मुझे। और यहाँ पे दोबारा मुझे डायमंड मिल चुका है। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो, मुझे बहुत सारा गोल्ड भी मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे दोबारा मिल गया है डायमंड। मुझने बहुत सारा डायमंड कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सिर्फ डायमंड नहीं, यहाँ पे लैपिस लाजुली भी है, जिसका बहुत शानदार इस्तेमाल करूँगा मैं। अगले वीडियो पे आपको उसका इस्तेमाल दिखेगा। अगला वीडियो उसी मतलब उसी चीज़ के ऊपर आएगा, मैं सोच लिया है पहले। जब आएगा तो उसके लिए आपको सरप्राइज़ है, आप लोग देख लेना। यहाँ पर मैं कोल कलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मुझे कुछ नए तरीके के स्टोन मिल गए हैं। ये स्टोन है या कुछ और है, पत्थर टाइप का है, पता नहीं ये क्या है। और यहाँ पे मैं घर में आ चुका हूँ, अपने घर के पास माइनिंग ख़त्म करके मैंने बहुत सारा माइनिंग कर लिया है। और अभी मैं अपने घर के तोड़ने वाला हूँ। मैंने घर का जितना सामान था वो मैं साइड पे लगा दिया। और मुझे नया घर बनाने में जो जो सामान चाहिए वो मेरे पास है। मैं अपने पुराना घर को पहले तोड़ देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर नया घर बनाने वाला हूँ। ये बेकार घर है, इसे मैं तोड़ के एक शानदार सा बहुत ही औसम एक नया घर बनाऊंगा, जिसमें मैं बहुत सारा जो मैं मतलब जो जो मुझे मिलेगा माइनक्राफ्ट में वर्ल्ड में, तो उसे मैं कलेक्ट कर सकूं। उसके लिए बहुत सारा एक चेस्ट रूम बनाऊंगा, मुझे रहने के लिए एक रूम बनाऊंगा। और ये जो आप मेरे घर के सामने पीछे की तरफ एक समुंदर है, तो उस समुंदर के किनारे मैं एक छोटा सा एरिया बनाऊंगा जहाँ पे मैं मछली पकड़ सकूँ, क्योंकि मुझे फ़िशिंग करना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सब कुछ बना दूँगा, आप लोग देखते रहो एक एक करके। और यहाँ पे मैंने अपना पूरा घर तोड़ दिया है। अब जो डर्ट है उसे मैं प्लेन मतलब हटा के इस जगह को प्लेन कर देता हूँ, ताकि मुझे नया घर बनाने में और भी ज़्यादा आसान हो। पहले मैं पूरा डर्ट हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे डर्ट हटाते हटाते अभी शाम हो गया, अभी रात होने वाला है थोड़ी देर में। तो आज के लिए मैं सो जाऊंगा, खाना खा लिया अभी मैं सो जाता हूँ। यहाँ पे अगले दिन सुबह हो चुकी है और मैं दोबारा आ गया। और यहाँ पे मैंने स्टोन ब्रिक लगाना शुरू कर दिया। मैं अपने घर को बनाने के लिए जो स्टोन ब्रिक लगा रहा हूँ, और साइड साइड पर मैं ये लकड़ी लगाऊंगा, मतलब जो वुडन लॉग है वो मैं लगा दूंगा। इससे थोड़ा बहुत अच्छा लुक आएगा।
आप लोग देखते रहो आगे कि मैं कैसा लुक देने वाला हूँ अपने घर को। अभी मैंने स्टोन ब्रिक से घर का जो बॉर्डर है चारों तरफ का वो मैंने कंप्लीट कर दिया, और अभी मैं घर के नीचे डर्ट जो है वो मैं सारे हटाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टोन ब्रिक लगाऊंगा दोबारा। घर की नीचे का जो बेस बनेगा सारा डर्ट हटा के मैं स्टोन ब्रिक लगाऊंगा। यहाँ पे मेरा शवल टूट चुका था तो मैं नया शवल बना लिया, और यहाँ पे बारिश भी रुक चुकी है तो मैं पूरा जगह क्लीन कर देता हूँ, पहले पूरा डर्ट हटा देता हूँ। यहाँ पे बहुत ही मतलब फास्ट काम कर रहा है मेरा जो आयरन का शवल मैंने बनाया। और मेरे घर के नीचे ही एक पता नहीं कहाँ से बन गया एक छोटा सा, मतलब उसे क्या कहते हैं, गुफा बन गया है। वो मैंने वहाँ पे लाइट लगा दिया, नहीं तो स्पॉन हो रहा था जॉम्बी और रात को मैं सो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे लाइट लगा दिया ताकि कोई जॉम्बी स्पॉन ना हो। और यहाँ पे मैं स्टोन ब्रिक लगाना शुरू कर चुका हूँ, पूरा स्टोन ब्रिक लगा देता हूँ पूरा जगह पे। जब तक मैं स्टोन ब्रिक लगाता हूँ इसी बीच में आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो गाइस। आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, मुझे कमेंट में बोलो मुझे क्या क्या बनाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट पढ़ने में। आप लोग कमेंट करो और लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो गाइस। यहाँ पे मैंने स्टोन ब्रिक लगाना ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया है, अब थोड़ा सा एरिया बाकी है स्टोन ब्रिक लगाने में। और इसी के साथ मैंने पूरा स्टोन ब्रिक लगा के पूरा एरिया कंप्लीट कर दिया। अब मैं चारों तरफ जो पिलर बना है वुडन का उसे मैं ठीक ठाक लुक देने वाला हूँ अभी अभी इस अभी। आप लोग पिलर का जो लुक है वो देखो, वो बहुत ही शानदार लग रहा है। और मैं पिलर को थोड़ा एक्सटेंड करने वाला हूँ ऊपर की तरफ ताकि घर थोड़ा ऊंचा हो जाए, इससे लुक अच्छा आएगा। नहीं तो घर थोड़ा बहुत ही नीचा हो रहा था, घर का जो छत था वो बहुत ही नीचा हो जाता। अभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है चारों पिलर लगाना। तो अभी मैं घर को ऊपर से कवर करने वाला हूँ। ऊपर से कवर करने के लिए मुझे बहुत सारा वुड चाहिए, तो मैं वुड कलेक्ट कर लिया हूँ। अब बस वुड लाता हूँ और ऊपर से घर को कवर करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा आ चुका हूँ, मैं वो वुड लेके घर की ऊपर से कवर करने के लिए। घर को ऊपर से ऊपर भी मैं वुड का ही बनाऊँगा, ऊपर का जो फ्लोर होगा वो मैं पहले पूरा बना देता हूँ। यहाँ पे बनाते बनाते रात भी हो गया, मुझे रात में भी मैं काम करता रहूँगा, रात में भी बनाऊँगा क्योंकि मैं आज सोऊंगा नहीं। और यहाँ पे पूरी तरह से रात हो चुकी है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आज रात के अंदर ही मैं ये घर का जो ऊपर का कवर है वो मैं पूरा कंप्लीट कर दूँगा। और यहाँ पे मैं घर का ऑलमोस्ट पूरा ऊपर का जो कवर है वो मैं कंप्लीट करने वाला। और यहाँ पे नीचे एक मेहमान आ गया है, घर कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले ही मेहमान आ गया। अब इस मेहमान को मैं मारने वाला हूँ, लेकिन वो बाद में करूँगा क्योंकि मैं अभी नीचे नहीं जाने वाला हूँ। अभी नीचे जाऊँगा, ऊपर आने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे दोबारा अगले दिन का सुबह हो चुकी है, और अभी मैं इसका भी थोड़ा अच्छा सा लुक देने वाला हूँ। जैसे मैंने पिलर का लुक दिया था वैसे ही मैं यहाँ पर भी सेम टू सेम ऊपर का भी कवर का वही लुक दूंगा, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। आप लोग बस देखते रहो, जब मैं घर के अंदर लाइट लगा दूंगा तो कैसे लगता है आप लोग चौंक जाओगे, इतना शानदार लगेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, आप लोग एक बार पूरा बाहर से देख लो कैसा लग रहा है। अभी मैं वॉल लगाना भी शुरू कर चुका हूँ, मैंने वॉल ले लिया है अपने हाथ में। और यहाँ पे एक साइड का वॉल मैंने कंप्लीट कर दिया है, बाहर से मैं इसे थोड़ा तोड़ने वाला हूँ, दो तीन ब्लॉक में तोड़ने वाला हूँ। इसके अंदर मैं ग्लास लगाऊंगा, मतलब जो घर का विंडो है वो बनेगा। अभी मैं दूसरा साइड पर भी वॉल लगाना शुरू कर चुका हूँ, यहाँ पर भी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं गैप रखूँगा मेरे विंडो के लिए। यहाँ पे मैं ग्लास लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे मेरा पहला विंडो हो गया है, दूसरा विंडो भी हो गया। अब लोग आप लोग देख लो एक बार दोनों साइड से कैसा लग रहा है घर। अब मैं पीछे का जो एरिया है वो मैं वॉल से कवर करने वाला हूँ, और यहाँ पे एक गेट भी रखूँगा, जो कि मैंने आपको बोला था कि घर के पीछे मैं एक छोटा सा सीढ़ी बनाऊँगा जो सीधे नदी की तरफ जाएगा और समुंदर की तरफ जाएगा। और वहाँ पे मैं एक छोटा एरिया बनाऊँगा अपने फ़िशिंग के लिए, जहाँ पे मैं फ़िशिंग करूँगा, इसलिए वहाँ पे मैं एक गेट रख रहा हूँ। आप लोग बाद में समझ जाओगे जब मैं पूरा घर बना लूँगा। पीछे भी एक मैं विंडो रख दिया ताकि अच्छा लगे।
समुंदर का व्यू आएगा उस विंडो से, और सामने का भी वॉल मैंने लगाना शुरू कर दिया, सामने का भी वॉल मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोग पूरी तरह एक बार देख लो घर का कैसा लग रहा है। यहाँ पे मैंने सीढ़ी भी लगा दिया और जो डोर है घर का वो भी लगा दिया दोनों तरफ। यहाँ पे अगले दिन सुबह हो चुकी है और यहाँ पे मैं सीढ़ी लगाना शुरू कर चुका हूँ ताकि मैं ऊपर की फ्लोर में जा सकूँ। मेरा जो घर है वो मैं दो फ्लोर में बनाने वाला हूँ। नीचे का जो फ्लोर है वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया, ऊपर का फ्लोर कंप्लीट करने के लिए मैं सीढ़ी बना रहा हूँ ताकि मैं ऊपर जा सकूँ। तो अभी ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है सीढ़ी लगाना, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा अच्छा लुक देने वाला हूँ इस सीढ़ी को, आप लोग देखते रहो। और यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा लुक दे दिया, बस एक फिनिशिंग टच देना है और अब बहुत अच्छा लुक लग रहा है सीढ़ी का। अब मैं घर की साइड से ऊंट का एक बॉर्डर देने वाला हूँ ताकि घर को और भी ज़्यादा शानदार दिखने को मिले। यहाँ पे मैं घर के ऊपर चारों तरफ बॉर्डर जो है वो लगा दिया है। अभी मैं ट्रैप डोर भी लगाने वाला हूँ। ट्रैप डोर लगाने से इसके अंदर एक और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, आप लोग बस देखते रहो मैं घर को कैसे लुक देने वाला हूँ। वैसे पिछले दिन मैं सो गया था तो मैं अगले दिन उठ के दोबारा ट्रैप डोर लगाना शुरू कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैं पूरे घर में ट्रैप डोर लगाने वाला हूँ, मतलब पूरी घर की चारों तरफ बॉर्डर के ऊपर से ट्रैप डोर लगाने वाला हूँ। आप लोग देख ही सकते हो मैं कैसे ट्रैप डोर लगा रहा हूँ, इससे बहुत अच्छा लुक आएगा। आप लोग सामने से देखो एक बार घर को कैसा लग रहा है, जस्ट ऑसम लग रहा है ट्रैप डोर लगाने के बाद। और यहाँ पे मैं चेन लगा दिया और यहाँ पे मैं लाइट भी लगा देता हूँ, इससे और भी अच्छा लुक आएगा ताकि रात को अभी ज़ोंबी नहीं आएगा मेरे घर के आसपास। लाइट मैं लगा दिया इसीलिए, अभी चारों तरफ मैं लाइट लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं फेंसेस लगाना शुरू कर चुका हूँ ऊपर का जो फ्लोर है, ऊपर की फ्लोर में आके चारों तरफ मैं फेंसेस लगा देते, एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा इससे, इसके अंदर ही मैं रह पाऊँगा। अगर बाई चांस मैं नीचे भी गिर सकता हूँ उससे मुझे डैमेज मिल सकता है, इसलिए मैं इसे लगा देता हूँ और इससे लुक भी अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैं चारों तरफ एक पिलर बना देता हूँ ऊपर का घर, मतलब ऊपर का जो फ्लोर है उसे बनाने के लिए। और पिलर बनाने के बाद अब मैं मतलब पिलर का एक बॉर्डर बना दिया, फिर मैं चारों तरफ ऊंट से एक बॉर्डर बना देता हूँ। और ऊंट का बॉर्डर बनाने के बाद मैं पिलर को ऊपर की तरह एक्सटेंड कर देता हूँ, और मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं दरवाजे के लिए थोड़ा सा जगह रख दिया, लेकिन ये थोड़ा गलत हो गया था, मैं दोबारा ठीक कर दिया इस दरवाजे को जहाँ पे दरवाज़ा बनेगा मेरा ऊपर के फ्लोर मतलब रूम में आने के लिए। अब मैं यहाँ पे एक साइड का पहले वॉल कंप्लीट कर दिया, अब मैं नीचे जाके देखूँगा कैसा लग रहा है। नीचे जाके देखता हूँ ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो पिछला जो वॉल था वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैंने जो लुक दिया है वॉल का वो आप लोग एक बार देखो सामने से कैसा लग रहा है। साइड से ब्लैक बॉर्डर और इसके अंदर कोबलस्टोन का एक वॉल लगा दिया, ऑसम लग रहा है। और वहाँ पे दो विंडो भी है, मैं चारों तरफ से वो कंप्लीट भी कर चुका हूँ वॉल को। तो अभी मैं ऊपर का जो मतलब घर का ऊपर का जो कवर करने वाला हूँ एकदम ऊपर से, तो उसे मैं सीढ़ी से कवर करने वाला हूँ। आप लोग देखते रहो कैसे मैं सीढ़ी से चारों तरफ से कवर कर देता हूँ इसे ऊपर के। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, और अच्छा अच्छा कमेंट करो। अच्छा अच्छा मतलब आपको जो मन लगे, आपको जो मन चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अच्छे ही कमेंट करना। अगर मुझसे कुछ गलती हो रहा है तो आप कमेंट में वो भी बता सकते हो। आप लोग कमेंट, लेकिन आप लोग कमेंट करो जो भी हो, कमेंट करो और लाइक करो गाइस। अभी आप वीडियो को पॉज करो और लाइक कर दो अभी का अभी। यहाँ पे घर को ऊपर से मैंने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर दिया है, अभी थोड़ा सा ही बाकी है। यहाँ पर भी मैं ये सब लगा के घर को ऊपर से पूरी तरह से कंप्लीट कर देता हूँ, और कंप्लीट भी हो चुका है। अभी मैं ऊपर भी, जैसे मैं नीचे के फ्लोर में साइड से एक बॉर्डर लगाया था उठ का, तो ऊपर के फ्लोर में भी मैं सेम टू सेम ऐसे ही एक बॉर्डर लगाने वाला हूँ। और दोबारा ट्रैप डोर भी लगाऊंगा इसके चारों तरफ ताकि ट्रैप डोर से भी एक अच्छा सा लुक आए, तो मैं इसके चारों तरफ भी ट्रैप डोर लगा देता हूँ।
अरे ट्रैपडोर लगाने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि घर कैसा लग रहा है बाहर से। और अब लोग देखो कि घर कैसा लग रहा है, बहुत ही ऑसम लुक आ रहा है। अगर आप लोगों को ये घर अच्छा लगा देख के तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो। और आप लोग अपने जो माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में है, आप जो 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 लोग अब माइनक्राफ्ट खेलते हो, तो आप लोग माइनक्राफ्ट खेलते हो तो अपने वर्ल्ड में ये घर देख के बना सकते हो। मैंने जो घर बनाया है ये बहुत ही एक ऑसम लुक दे रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छे लुक मिलेगा, मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन बहुत सारा ट्राई किया फिर मुझे ये लुक आया और ये बहुत ही ऑसम लग रहा है। आप लोग देखते रहो। और यहाँ पे मेरा जो घर का जो मतलब ऊपर का पोर्शन का जो पीछे वाला पोर्शन है उसे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दिया हूँ ताकि यहाँ पे एक बैल्कनी टाइप का बन जाए और यहाँ पे मैं कभी कभी बैल्कनी में आकर बैठ भी सकता हूँ। और पीछे का जो समुंदर का जो नज़ारा है उसका मैं व्यू ले सकता हूँ, एक बहुत अच्छा व्यू आएगा यहाँ से। यहाँ पे मैंने फेंसेस भी लगा दिया ताकि मैं आगे गिर ना जाऊँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे जो आइलैंड देखा ना वो आप एक सरप्राइज़ बनेगा, वो बाद में पता चलेगा। यहाँ पे नीचे मेरा फार्म भी दिख रहा है, जो मैं फार्म बनाया है वाइट व्हीट फार्म, जिससे मैंने बहुत सारा ब्रेड बना लिया व्हीट से, व्हीट कलेक्ट करके। और यहाँ पे मैं घर के पीछे आ चुका हूँ। घर के पीछे अब मैं वो रास्ता बनाऊँगा जो सीधा समुंदर की तरफ जाएगा और समुंदर से कनेक्ट होगा। वहाँ पे नीचे मैं जगह बनाऊँगा जहाँ पे बैठ के मैं फ़िशिंग भी कर सकता हूँ। मैं रात को ज़्यादातर रात को ही आऊँगा वहाँ पे फ़िशिंग करने, जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा, क्योंकि दिन में काम करना पड़ेगा, रात में तो ज़ॉम्बी आएगा। अभी मेरे पास कोई मतलब आर्मर नहीं है, इसलिए मैं रात को निकलने के लिए उतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा सेफ नहीं फील कर रहा हूँ। इसलिए मैं अभी रात में जो ये सब फालतू का काम है वही मैं करूँगा। अभी यहाँ पे एक क्रीपर आ गया है, पहले इसका बैंड बजा दे, क्रीपर का बैंड बजा देंगे, नहीं तो क्रीपर हमारा बैंड बजा देगा बाद में। और यहाँ पे मैंने वो बना लिया, यहाँ पे जो समुंदर में रहने वाला भी जो ज़ॉम्बी होते हैं वो भी आ गया, उसका भी बैंड बजा दिया, सबका बैंड बजा दूंगा मैं। और यहाँ पे मैं तैयार करना शुरू कर चुका हूँ, जो मतलब एक छोटा सा एरिया होगा जहाँ पे बैठ के मैं फ़िशिंग कर सकता हूँ, और फ़िशिंग एरिया जिसे बोलेंगे हम लोग, और वो मैं बनाना शुरू कर चुका हूँ। आप लोग देखो कैसे बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा एरिया बना लिया है जहाँ पे मैं बैठ के फ़िशिंग कर सकता हूँ, और इसे मैं जो ऊपर का सीढ़ी है उससे ज्वाइन कर दिया हूँ, जो सीधे मेरे घर से इस जगह पे आते हैं वो सीढ़ी। अभी मैं यहाँ पे एक अच्छा सा लुक देने वाला हूँ इस फिशिंग एरिया को भी। आप लोग देखते रहो मैं कैसे शानदार वही ऑसम वाला लुक देने वाला हूँ इसको भी। यहाँ पे मैं सब कुछ बना चुका हूँ, अभी मैं इसके चारों तरफ फेंसेस लगा देता हूँ ताकि ज़ॉम्बी ना अंदर आ जाए इसके, क्योंकि रात में मैं इसे फिशिंग करने वाला हूँ, तो रात को भी अगर यहाँ पे ज़ॉम्बी आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं इस जगह को चारों तरफ से कवर करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सटेंड करने पड़ेगा इस जगह को, क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया हो गया है। मैं थोड़ा एक दो ब्लॉक और बढ़ा देता हूँ इसके आगे, तो जगह ज़्यादा बड़ा रहेगा तो फिशिंग करने में मज़ा आएगा, यहाँ पे बैठकर थोड़ा मज़ा आएगा, चिल विल भी करेंगे कभी। अगर कोई काम नहीं होगा तो यहाँ पे बैठ जाएंगे आके, सामने का जो शानदार नज़ारा है वो भी फील करेंगे। और इस जगह से सामने एक आइलैंड है, वहाँ पे वो जो आप सामने जो आइलैंड देखे ना आप लोग, वो सामने जो आइलैंड है उससे मैं एक बहुत ही ऑसम चीज़ बनाने वाला हूँ उस आइलैंड पे, वो मैं आपको बाद में दिखा दूँगा। अभी घर का लुक देखो, अभी मैं घर को पूरी तरह से तैयार कर चुका हूँ। और अभी आप लोग घर का लुक देखो, मैंने यहाँ पे फ्लावर लगा दिया है, ऊपर सब लाइट लगा दिया है, ऊपर भी फ्लावर लगा दिया, डेकोरेशन कर दिया थोड़ा लीव्स से। अंदर देखो, अंदर मैंने लाइट लगा दिया, यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे एक सोफ़ा है, यहाँ पे मैंने अपने फर्नेस ब्लास्ट फर्नेस सब रख दिया है, यहाँ पे भी एक सोफ़ा रख दिया, पेंटिंग भी लगा दिया। यहाँ से अब दरवाज़ा खोलो के पीछे की, तो यहाँ से सीढ़ी से अब डायरेक्ट वहाँ पे आ सकते हो जहाँ पे बैठ के मैं फ़िशिंग करने वाला हूँ। और यह जगह भी ऑसम है। आप लोगों को सामने जो आइलैंड है उस पर एक सरप्राइज़ है, वो अगले वीडियो में नहीं, जो आने वाला वीडियो होगा दो तीन वीडियो बाद, उससे मैं वहाँ पे एक शानदार चीज़ बनाऊंगा, वो सरप्राइज़ है, वो बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी आपको अगले वीडियो का पता चलेगा कि मैं क्या डालने वाला हूँ। और यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाने के बाद दरवाज़ा खोलता हूँ तो अंदर के यहाँ पे मैंने सारे चेस्ट लगा दिया, और जो चेस्ट का कौन सा चेस्ट में क्या है वो भी मैं इसका साइन लगा दिया ऊपर साइन बोर्ड पे। और यहाँ पे मैं यहाँ पर भी फ्लावर लगा दिया, लाइट लगा दिया, और ये जो एरिया खाली रखा यहाँ पे एक ऑसम चीज़ आएगा, ये अगले वीडियो पे मैं दूंगा। अगले वीडियो पे वहाँ पे मैं
एक औसम चीज़ लाने वाला हूँ। उसके लिए अगले वीडियो आपको देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगले वीडियो पे जब मैं मतलब अगले वीडियो जब पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। और यह है मेरा घर का फाइनल लुक। बाय बाय।